गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कल था दिल्ली वर्सेस पंजाब का खेल, तो चलो रिव्यू शुरू करें। गाइस यहां पे देख सकते हो, यहां पे टॉस हो गया है और यहां पे बैटिंग करने आए हैं पंजाब पहले, और यहां पे बॉलिंग कर रहे हैं दिल्ली। तो यहां पे प्रभु सिलम और शिखर धवन दोनों यहां पे बैटिंग कर रहे हैं। गाइस देख सकते हो पहले उन्होंने 4 और 6 की बरसात कर ली है, लेकिन यहां पे गाइस एक कैच आउट हो जाते हैं जिसके कारण शिखर धवन सिर्फ 7 रन बना के उनको वापस जाना पड़ा। तो गाइस यहां पे फिर लिमिटेशन और प्रभु सिलम थे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस मैच को संभाला था। गाइस देख सकते हो एक के बाद एक बाउंड्रीज मार रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्ले किया है, लेकिन यहां पे गए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं जिसके कारण यहां पे लियोम को 4 रन बना कर ही उनको वापस जाना पड़ा। फिर गाइस यहां पे जितेश और प्रभु सिलम रहते हैं क्रीज पे, एक बहुत अच्छी तरीके से यहां पे एक 6 मारे हैं गाइस देख सकते हो, लेकिन गाइस यहां पे एक फिर से क्लीन बोल्ड हो गए हैं गाइस देख सकते हो। यहां पे जितेश शर्मा 5 रन 5 गेंदों में बना के वो आउट हो गए हैं। तो गाइज पंजाब का यहाँ पे 55 रन हो चुके थे गाइज देख सकते हो। एस करण और प्रभु सिलम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे खेल रहे थे, तो एक बात ये यहाँ पे बाउंड्रीज मार रहे थे, प्रभु सिलम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बैटिंग कर रहे थे। इसी बीच उनका गाइज 50 कंप्लीट हो चुका है गाइज देख सकते हो, यहाँ पे 95 रन हो चुके थे पीवीएस के। तो यहाँ गाइज 101 रन हो गए थे, एक के बाद एक छक्के मार रहे थे गाइज। प्रभु सिलम बहुत अच्छे फॉर्म पे थे कल, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कल बैटिंग की थी गाइज देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे एक कैच आउट हो जाते हैं जिसके कारण यहाँ पे जाना पड़ा सैम करन को 20 रन बना के 24 गेंदों में। तो गाइज यहाँ पे जो पंजाब का 170 हो चुके थे गाइज, यहाँ पे एक कैच आउट हो जाते हैं जिसके कारण यहाँ पे हरप्रीत बर्फ को 2 रन बना के सिर्फ जाना पड़ा। तो गाइस यहां पे प्रभु सिलम और शाहरुख खान बैटिंग कर रहे थे, 130 रन हो चुके थे पंजाब के। तो गाइस यहां पे एक बाउंड्रीज और मार रहे थे गाइस देख सकते हो, प्रभु सिलम 83 रन वो अकेले कर रहे थे। तो गाइस इसी बीच उनका 100 कंप्लीट हो चुका था दूसरा यहां पे आईपीएल में। तो गाइस यहां पे एक और स्टैंप आउट हो जाता है प्रभु सिलम इस कारण, तो यहां पे 103 रन बनाए थे प्रभु सिलम ने कल। तो गाइस देख सकते हो, तो यहां पे रजा और शाहरुख खान दोनों थे क्रीज पे, अच्छे तरीके से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन गाइस यहां पे एक स्टैंप आउट हो गया है, रनिंग आउट हो गए हैं जिसके कारण यहां पे शाहरुख खान 2 रन बना के आउट हो गए। तो इसी बीच पंजाब ने 167 बनाए और टारगेट है 168। तो दिल्ली के बर्नर और स्टॉल दोनों अच्छे तरीके से यहां पे पहले आए थे बैटिंग करने, तो गाइस यहां पे आते ही उन्होंने एक 4 झाड़ दिया। तो गाइस देख सकते हो बर्नर स्टॉल यहां पे बाउंड्रीज मार रहे थे गाइस, अच्छे तरीके से उन्होंने खेल को शुरू किया है। तो गाइस देख सकते हो यहां पे 25 रन हो चुके थे उनके। तो गाइस एक के बाद एक बाउंड्रीज मार रहे थे दिल्ली, 44 रन हो चुके थे गाइस देख सकते हो। यहां पे बिना किसी नुकसान में 53 रन हो चुके थे गाइस देख सकते हो। तो गाइस इसी बीच बहुत अच्छे तरीके से छक्के भी मार रहे थे गाइस देख सकते हो, लेकिन गाइस यहां पे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। दिल्ली का पहला विकेट चटकाया यहां पे गाइस फील्ड्स जो 21 रन बना के कल आउट हो गए थे गाइस देख सकते हो। तो फिर यहां पे एस मार्च और बर्नर थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने खेल रहे थे। बर्नर ने यहां पे 50 कंप्लीट कर चुके थे 30 गेंदों में। तो गाइस यहां पे एक देख सकते हो LBW का शिखर बना है, यहां पे गाइस एक आउट दिया गया है जिसके कारण एम्पायर ने भी आउट दे दिया। तो यहां पे मिचेल मार्श जो 3 रन बना के उनको वापस जाना पड़ा। तो गाइस यहां पे वार्नर और रूसो दोनों बैटिंग करने आए थे क्रीज पे, अच्छे तरीके से उन्होंने भी यहां पे 4 बाउंड्रीज मार रहे थे, 75 रन डीसी के होप कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन गाइस यहां पे एक रन आउट हो जाते, कैच आउट हो जाते सॉरी। तो यहां पे रूसो 5 रन बना के 5 गेंदों में वो आउट हो गए हैं। फिर अक्षर पटेल और वार्नर दोनों थे क्रीज पे, और यहां पे रन बटोरने चाहा तो यहां पे गाइस 4 मार रहे थे, लेकिन गाइस यहां पे एक फिर से LBW के शिकार बन जाते। तो गाइस यहां पे एम्पायर ने उनको आउट दे दिया है गाइस देख सकते हो। तो गाइस यहां पे डेविड बर्नर जो 54 रन बना के आउट हो जाते हैं गाइस देख सकते हो कप्तान। तो गाइस यहां पे फिर से 86 रन हो जाते हैं गाइस, यहां पे फिर से LBW का शिखर बना है। तो गाइस यहां पे एम्पायर ने आउट दे दिया है गाइस देख सकते हो दिल्ली 86 में 5 विकेट के साथ। यहां पे अक्षर पटेल 1 रन बना के चले गए, तो पांडे और अमन दोनों थे। तो गाइस यहां पे फिर से क्लीन बोल्ड हो गए हैं गाइस देख सकते हो, यहां पे मनीष पांडे 0 रन बना के 3 गेंदों में आउट हो गए हैं। तो गाइस यहां पे दुबे और अमन थे यहां पे, फिर क्रिस पे 98 रन लेके हो चुके थे गाइस देख सकते हो। तो गाइस यहां पे एक के बाद एक छक्के मारे गए थे गाइस देख सकते हो, एक और, लेकिन गाइस यहां पे
एक कैच आउट हो जाते हैं, जिसके कारण अमन खान को 16 रन बना के उनको वापस जाना पड़ा। तो गाइस 45 रन चाहिए था 17 गेंदों में। तो गाइस यहां पे एक और विकेट गिरता है, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं दिल्ली के, एक झटका, फिर दुबे यहां पे 16 रन बना के वो आउट हो जाते हैं। फिर दो गेंदों में 34 रन चाहिए था, जो कि नामुमकिन ही था। तो गाइस इसी बीच यहां पे पंजाब बहुत अच्छी तरीके से यहां पे 21 रन से जीते हैं गाइस, देख सकते हो। तो गाइस ये है मैच का समरी। तो गाइस IPL का हर मैच का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो करें पेज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।